बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 14 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 44 है। वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम सूरदास के पद का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि रिविजन कर रहे हैं उसका। बच्चों, पिछले कार्यपत्र तक में आपने सत्र 2020-21 में के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद पाठों का पर आधारित कार्यपत्रों का अध्ययन किया। उम्मीद है आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इसके आधार पर सूरदास के पद पाठ में अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखे। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से में क्या व्यंग्य निहित है? उसका आंसर है बेटा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते भी उनके प्रेम से वंचित हो। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों, उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल चुपड़े गागर से की गई है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता और तेल चुपड़ा गागर पर पानी की भी एक बूंद ठहर नहीं पाती। गोपियों के अनुसार उद्धव तो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, मतलब कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य मतलब बहुत ज़्यादा वाला जो प्रेम है, को हारल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस। वे अपनों को हारल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताते हैं। जैसे हारल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियाँ अपने कृष्ण को मन में बसा कर रखती हैं। तो हारल एक पक्षी होता है जो हमेशा जिस लकड़ी में रहता है उससे मतलब बिल्कुल कनेक्टेड होता है, उस लकड़ी को बिल्कुल छोड़ता नहीं है। और गोपियाँ कहती हैं, हम भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल हारल पक्षी की तरह हम भी श्री कृष्ण की शरण में हैं और हम उनको कभी भी नहीं छोड़ते। चौथा प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बेटा, जो भ्रमर गीत है, आम लोग की ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसको छंदों में लिखा गया है ताकि आसानी से इसको याद किया जा सके। और जो भ्रमर गीत है बेटा, वो संगीतमय और अलंकारों से सुसज्जित होता है। पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, जिससे वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। आप तो बताना है कि क्या विशेषताएं होती हैं वाक चातुर्य की। तो गोपियां साहसी एवं निडर हैं और अपनी बात को व्यंग्य शैली में तर्क के साथ स्पष्ट रूप से कहती हैं। गतिविधि है, किस प्रकार उद्धव और गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े। आपको बताना है कि भाई, कोई एक्सप्रेस करिए, कुछ बताइए जहाँ पे आपने बहुत तर्क दिए हो। तो मुझे विद्यालय के उत्तराखंड टूर पर जाने के लिए अपने माता पिता को मनाने के लिए अनेक तर्क देने पड़े, या उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा उनको। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वर्कशीट है बेटा, वो हिंदी की जो वर्कशीट है, वो कंप्लीट होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ, या फिर अभी हम दोबारा मिलेंगे मैथ्स या साइंस की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।